हेलो दोस्तों, तो आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि CUET PG 2024 का जो रिजल्ट है वो आ चुका है एंड काफी बच्चों का जो है वो स्कोर अच्छा नहीं रहा जिनके बिलो 100 मार्क्स है। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है। सो गाइस, आप लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस हो रहे हो, परेशान हो रहे हो। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों के मार्क्स जैसे भी हैं आप लोगों को कहीं ना कहीं एडमिशन मिल ही जाएगा। तो वो कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, तो इस वीडियो में हम लोग वो सारे क्वेश्चंस जो भी आपके मन में डाउट है, हम लोग उस चीज को आज पूरा करने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स जंप इनटू इट। सो गाइस, सबसे पहला जो बात है वो जिनका भी स्कोर लो आया है, लाइक जिनका बिलो 100 है, जिनके 95, 70, 85 जैसे मार्क्स बन रहे हैं, तो गाइज आप लोग कहाँ अप्लाई कर सकते हो? तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर कर रखी है जहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे जरूर से अप्लाई कर ही देना क्योंकि आप लोगों को एडमिशन लेना है, अच्छी जगह पढ़ना है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना बहुत बड़ी बात होती है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि CUSB यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, यहाँ पे आप लोग आसानी से एडमिशन ले सकते हो। अगर आप लोगों का स्कोर बिलो 100 है तो आप लोग यहाँ पे आसानी से एडमिशन ले सकते हो, ठीक है? सो गाइस, जितने भी बच्चे हैं वो MA इंग्लिश का जिन्होंने एग्जाम दिया था, मैं जानती हूँ उनका पेपर बहुत ही ज्यादा खराब गया था क्योंकि क्वेश्चंस जो थे वो बहुत ही अजीब से पूछे गए थे, है ना? तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप लोग CUSB में डालो फॉर्म, ठीक है? CUJ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, ये रांची में है, आप लोग यहाँ भी डाल सकते हो फॉर्म, ठीक है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, राजस्थान, सिक्किम यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी थोड़ी सी दूर है बट अच्छी है। फिर यहाँ पे डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, दिस इज ऑल्सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड यू कैन इजिली अप्लाई हेयर। कम से कम कट ऑफ जाता है ये सारी यूनिवर्सिटीज का क्योंकि बच्चे जो है वो DU, BHU और JNU को प्रेफर करते हैं, ये सारी यूनिवर्सिटीज को नहीं प्रेफर करते हैं, ठीक है? तो आप लोगों को अप्लाई कर देना है और थोड़ा सा सब्र रखना है, ठीक है? अगर आप लोग ने अप्लाई कर दिया, अगर फर्स्ट राउंड में नहीं आया है आपका नाम, तो घबराइएगा मत, सेकेंड और थर्ड राउंड में या स्पॉट राउंड में जरूर से आ जाएगा। सो बिल्कुल भी डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे एक और यूनिवर्सिटी है, द इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ठीक है? ये कहाँ है? अमरकंटक में। यहाँ भी पढ़ाई अच्छी होती है और फैकल्टी बहुत अच्छी है यहाँ की, BBAU। सो गाइज, यहाँ पे जो BBAU है इसका जो कैंपस है वो लखनऊ में है बट MA इंग्लिश की पढ़ाई अमेठी में होती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग यहाँ एडमिशन ले सकते हो। ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है। और भी कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जो आप गूगल पे लिख के अगर सर्च करोगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, तो आप लोगों के स्टेट से जो भी यूनिवर्सिटी पास है तो उस हिसाब से आप लोग अपना फॉर्म डाल सकते हो, ठीक है? नो डाउट कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा आई थिंक, एंड डिप्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि आपका स्कोर कम है, आप लोगों को इस साल एडमिशन नहीं लेना है, नेक्स्ट ईयर लेना है, तो इस चैनल पे मैं पूरी तरह से तैयारी करवा रही हूँ CUET PG में, ठीक है? तो खास कर इस चैनल में आप लोगों को MA इंग्लिश की तैयारी करवाई जा रही है, बिल्कुल एक रुपया भी नहीं लग रहा है, ठीक है? तो आप लोग इसमें आराम से तैयारी कर सकते हो, सब्सक्राइब कर लेना फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट। सो जिनका गुड स्कोर है, जिनका स्कोर है 150 प्लस, अब वो लोग सोच रहे हैं कि 200 वाले तो BHU, IFLU, DU, JNU में अप्लाई करेंगे और जो 150 प्लस है जो एवरेज बच्चे हो गए, ठीक है, तो वो कहाँ अप्लाई करें? तो वो भी JNU में अप्लाई करेंगे, आप लोग कर ही दीजिएगा JNU में। DU में तो एकदम से कीजिएगा, IFLU में भी, BHU में भी, पौंडीचेरी में भी और CU राज यानी कि राजस्थान यहाँ भी। तो अगर आप लोग का स्कोर 150 प्लस है या 120 या 130 प्लस है तो ये सारी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर ही दीजिएगा। JNU में थोड़ा कम चांस है बट ये सारी यूनिवर्सिटीज में आप लोग का हो जाएगा। फर्स्ट राउंड में ना हुआ तो कोई बात नहीं है, सेकेंड और थर्ड राउंड में तो आराम से हो जाएगा। सो गाइज, स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर नोटिफिकेशन, ठीक है? अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड और भी दोस्तों को शेयर कर देना, और डिप्रेस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। चलिए ठीक है, बाय।